दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे बेहतरीन घोड़े आखिर कैसे तैयार किए जाते हैं? इन घोड़ों की अनोखी नस्लों को कैसे बनाया जाता है? दुनिया के बेहतरीन नस्ल के घोड़ों की कीमत करोड़ों में होती है। इन्हें तैयार करने के लिए बेहतरीन घोड़े के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, जिसमें एक अलग किस्म के घोड़े के सीमेन को यानी कि वीर को निकालकर दूसरी अच्छी किस्म की घोड़ी में डाला जाता है, जिससे एक अलग ही किस्म के घोड़े की नस्ल तैयार होती है, जिसमें कि दो अलग अलग किस्म के घोड़ों के गुण मौजूद होते हैं। घोड़े की क्रॉस ब्रीडिंग को दो प्रकार से कराया जाता है। एक तो होता है नेचुरल प्रोसेस, जिसमें घोड़ा और घोड़ी खुद ही मिलन करते हैं, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में तो घोड़ा और घोड़ी का आम मिलन कराया जाता है, जिसमें कि नई किस्म के घोड़े बनने के चांस बहुत ही कम होते हैं, मगर जो आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है वे बहुत ही कारगर और बेहतरीन होता है। ये प्रोसेस यूं तो महंगा पड़ता है, लेकिन इस प्रोसेस से अच्छी किस्म के घोड़ों की नस्ल प्राप्त हो जाती है। आर्टिफिशियल प्रोसेस महंगा जरूर होता है, क्योंकि इसमें एक नर घोड़े के सीमन को निकालकर पहले उसे लैब में चेक किया जाता है। सभी तरह की तसल्ली होने के बाद फिर उसे मादा घोड़े में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस प्रोसेस में मादा घोड़े के प्रेग्नेंट होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं, जिससे कि एक नई किस्म का घोड़ा प्राप्त आसानी से हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही खर्चा आता है और बहुत लोगों की मेहनत भी लगती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी महंगा पड़ता है, मगर इससे मिलने वाले घोड़ों की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। एक मादा घोड़ी 3 साल की उम्र में इस प्रोसेस के लिए तैयार हो जाती है, मगर एक बहुत ही कमाल की बात है कि घोड़े के मिलन का एक खास सीजन होता है, जो आमतौर पर जुलाई से लेकर नवंबर तक रहता है। ये समय मिलन का सबसे सटीक समय माना जाता है। एक घोड़ी का गर्भकाल 11 महीने का होता है। बच्चा होने के बाद एक घोड़ी तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद फिर अगली ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है, मगर आमतौर पर ऐसा नहीं कराया जाता, क्योंकि घोड़ी उस वक्त इतनी स्वस्थ नहीं होती। एक घोड़ी अपनी उम्र के 25 से 30 साल तक बच्चा पैदा कर सकती है। अगर हम घोड़े की बात करें तो एक घोड़े की औसत उम्र 30 से 40 साल होती है। दोस्तों, एक बहुत ही कमाल की बात है कि एक घोड़े का बच्चा अपने जन्म के बस कुछ ही घंटों बाद दौड़ने लग जाता है। एक नर घोड़े के खुर उसकी प्रोटीन से बने होते हैं। एक नर घोड़े के मुंह में 40 दांत, जबकि एक मादा घोड़े के मुंह में 36 दांत होते हैं। एक बहुत ही कमाल की बात है कि घोड़े ज्यादातर खड़े रहकर ही अपनी नींद पूरी करते हैं। घोड़ों की टांगें काफी मजबूत होती हैं, ये उनके शरीर के किसी भी अंग से सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। कई बार आपने घोड़ों को हंसते हुए देखा होगा, मगर उस समय घोड़े हंसते नहीं हैं, बल्कि किसी खास दुर्गंध या फिर सुगंध को सूंघने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक घोड़े की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ अलग अलग दिशाओं में होती हैं, इसीलिए एक घोड़ा 360 के एंगल तक देख सकता है, जबकि एक इंसान सिर्फ 180 डिग्री के एंगल तक ही देख पाता है। एक खास किस्म के नस्ल की घोड़े की अधिकतम रफ्तार 88 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है, जबकि एक आम घोड़े की औसतन रफ्तार 44 किलोमीटर प्रति घंटा नापी गई है। दोस्तों, क्या आपको भी घोड़े पसंद हैं? तो फटाफट से उनके लिए एक लाइक कर दें, और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।